जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार कंप्यूटर टेक संजय में। आज का आपका कंप्यूटर बेसिक नॉलेज का एक्सरसाइज नंबर 9 है, जो कि आपके एडीसी एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का फंडामेंटल क्लास का है, एक्सरसाइज नंबर 9 है। तो आज इसमें हम जानेंगे सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर के पीडीए, इन तीनों प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो आप इस वीडियो को जानने के लिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक अवश्य बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो आइए जानते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का समूह होता है जिसके माध्यम से कंप्यूटर टास्क को परफॉर्म करते हैं। कंप्यूटर के हुए सभी भाग जिन्हें हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, उन्हें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। उदाहरण एमएस ऑफिस, एंटीवायरस, नोट पैड, वर्ड पैड इत्यादि। जो भी हम अपने स्क्रीन डिस्प्ले पर जितना भी आप सॉफ्टवेयर देखते हैं, अर्थात जितना भी आप आइकन देखते हैं, ऐप देखते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। जिन्हें हम अपने हाथों से नहीं छू सकते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे एमएस ऑफिस, एंटीवायरस, नोट पैड, वर्ड पैड, पेंट, एक्सेल आदि जितने भी आप आइकन देखते हैं अपने डिस्प्ले पर, वीडियो डिस्प्ले यूनिट जितने भी देखते हैं, वो सभी क्या है, सॉफ्टवेयर हैं, जिन्हें हम अपने हाथ से नहीं छू सकते लेकिन उन्हें अवश्य देख सकते हैं। तो ये सभी हमारे सॉफ्टवेयर हैं। और सॉफ्टवेयर का परिभाषा भी जान चुके हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का समूह होता है जिसके माध्यम से कंप्यूटर टास्क को परफॉर्म करते हैं। कंप्यूटर के वे विभाग जिन्हें हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, उन्हें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब आइए जानते हैं कि सॉफ्टवेयर के प्रकार, अर्थात सॉफ्टवेयर का उपयोग कहाँ होता है और सॉफ्टवेयर का उपयोग कैसे होता है। देखिए, सॉफ्टवेयर का उपयोग, इसका उपयोग कंप्यूटर को संचालित और विशेष प्रकार के कार्यों को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक बेहद खास हिस्सा होता है, क्योंकि इसके बिना कंप्यूटर किसी काम का नहीं होता। जो आपका सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर का एक हिस्सा है, बेहद खास, जिसके यदि सॉफ्टवेयर ही नहीं रहेगा तो कंप्यूटर पर हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अपना फेस देख सकते हैं। इसलिए जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जितने भी सॉफ्टवेयर है वो सभी कंप्यूटर को चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या है, किसी भी कोई भी कार्य करना, वो हमारे सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है, ठीक है। अगला है आपका कंप्यूटर की पीडीए, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हमारी भी पीडीए होती है, उसी प्रकार कंप्यूटर की भी पीडीए होती है। तो यही जान लेते हैं। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में जनरेशन का अर्थ है कंप्यूटर में यूज होने वाली जितनी भी हार्डवेयर डिवाइस है या सॉफ्टवेयर होते हैं, अर्थात जितनी भी हार्डवेयर डिवाइस बदलती जा रही है वो क्या होती है, हमारे कंप्यूटर की पीडीए कहलाती है। उसका टेक्निकल या साइज में कुछ बदलाव करना, पहले के कंप्यूटर में सिर्फ हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का परिवर्तन किया जाता था, बट आज के ज़माने में हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर का भी कभी परिवर्तन किया जाता है। उसी के परिवर्तन के हिसाब से कंप्यूटर को 5 पीढ़ी में विभक्त किया गया था। जो भी आपके हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, अर्थात इन सभी के पार्ट पुर्जों में जो उसकी लंबाई चौड़ाई में वृद्धि और विकास किया गया साइज में, उसी को कंप्यूटर की पीढ़िया कहा जाता है। अभी आइए जान लेते हैं कि कंप्यूटर की पीढ़िया कब से कब तक था और कब से कब कितने वर्ष तक विकसित किया गया। देखिए, दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर की 1959 से लेकर 1665 तक था, जिसमें ट्रांजेक्शन पे सभी कार्य होता था। तीसरी पीढ़ी था आपका 1965 से लेकर 1969 तक, जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट पर कार्य किया गया। चौथी पीढ़ी था आपका 1969 से लेकर 1980 तक, जिसमें VLSI माइक्रो प्रोसेसर पर कार्य किया गया था, तो उसमें लगा रहता था आपके कंप्यूटर में। पांचवी पीढ़ी है आपकी 1980 से फिलहाल जो चल रहा है, ये पांचवी पीढ़ी का है, जिसमें कि USI माइक्रो प्रोसेसर हमारे जितने भी लैपटॉप सिस्टम कंप्यूटर है उन सभी में लगे रहे हैं। तो ये आपके कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हैं और उनके समय दर हैं और किस समय में कौन सा ट्रांजिस्टर या इंटीग्रेटेड या VLSI माइक्रो प्रोसेसर यूज किया जाता था, उनके बारे में दिया गया। पहली पीढ़ी में आपके वैक्यूम ट्रांजिस्टर वैक्यूम का प्रयोग किया गया था, ठीक है। अब आगे की वीडियो में जान लेते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर इन हिंदी, अर्थात कंप्यूटर के हिंदी में कितने प्रकार होते हैं अलग अलग। लेकिन आपको बता दें कि कंप्यूटर एक मशीन है जिसका उपयोग सूचना या डेटा को स्टोर करने, संचारित करने, प्राप्त करने और हेर फेर करने किया जाता है। और मुख्य रूप से कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। आपके वर्किंग और प्रिंसिपल, कार्य के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। आइए अब इनके बारे में एक एक करके जान लेते हैं और समझ लेते हैं। देखिए, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो देख लीजिए। कंप्यूटर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं कार्य के आधार पर। पहला आपका है एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है, दूसरा जो आपका हो डिजिटल कंप्यूटर होगा, तीसरा जो है वो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। 3 प्रकार के होते हैं, जो पहला एनालॉग, दूसरा डिजिटल, तीसरा हाइब्रिड। अब इनके बारे में एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं कि इनका कार्य क्या होता है। पहला आपका हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। देखिए, एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसी मशीन जो आंकड़ों की एक भौतिक मात्रा, दाब, तापमान, लंबाई, ऊंचाई आदि
दर्शाता है। यह आंकड़े सतत लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। इस कंप्यूटर की कार्य क्षमता तेज होती है। इसका निर्माण हमें ग्राफ आदि के रूप में प्राप्त होता है। कंप्यूटर आंकड़े स्टोर नहीं कर सकते। इनका उपयोग तकनीक, विज्ञान, शिक्षा आदि क्षेत्र में किया जाता है। थर्मामीटर एक एनालॉग कंप्यूटर, जो थर्मामीटर उठा नापने के काम में आता है, वो एनालॉग कंप्यूटर है। डाटा और आंकड़ों को स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें स्टोरेज एरिया नहीं होती है। सिर्फ कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। जो आपका नेक्स्ट एवं अगला है, वो है डिजिटल कंप्यूटर। तो यह कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर से भिन्न होता है। ये कंप्यूटर जो सूचनाओं को अंकीय रूप में प्रोसेस करता है, उसे डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। डिजिटल कंप्यूटर सूचनाओं को अंकीय रूप में दर्शाने के लिए बाइनरी सिस्टम 0.1 का इस्तेमाल करता है। ये कंप्यूटर गणितीय तथा तार्किक करने में सक्षम होता है, जैसे एक कैलकुलेटर। और आगे जान लेते हैं कि जो एनालॉग कंप्यूटर में कुछ धीमी लेकिन परिणाम अधिक शुद्ध होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर सूचनाओं को स्टोर कर सकते हैं। जो आपका डिजिटल कंप्यूटर है, ये जिसके बारे में बता रहा हूँ, ये सूचनाओं को स्टोर कर सकता है, ठीक है, लेकिन एनालॉग कंप्यूटर नहीं कर सकता है। अगला है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एक डिजिटल कंप्यूटर गिनता है और एनालॉग कंप्यूटर मापता है। जो एनालॉग कंप्यूटर है, वो क्या करता है, नापता है किसी भी चीज़, बुखार उखार कुछ भी वो नापता है। लेकिन जो डिजिटल कंप्यूटर स्टोर करता है, इसका मतलब कि वो कुछ भी चीज़ की गणना करता है, गिनता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। ये कंप्यूटर एक एनालॉग कंप्यूटर तथा एक डिजिटल कंप्यूटर की विशेषता के लिए होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर इन दोनों तरह के कंप्यूटर से अधिक तेज और परिणाम शुद्ध होते हैं। इन कंप्यूटरों में डिजिटल कंप्यूटर एक नियंत्रक तथा अंकीय कार्य करने के लिए होता है, वहीं एनालॉग कंप्यूटर सामान्य कार्य के हल करते हैं। इनका उपयोग जटिल गणित, समीकरण, वैज्ञानिक गणना तथा रक्षा आदि के क्षेत्रों में किया जाता है। पेट्रोल पंप मशीन, स्पीडोमीटर आदि हाइब्रिड कंप्यूटर के आसान उदाहरण है। जो आप पेट्रोल पंप देखते हैं, मशीन देखते हैं, स्पीडोमीटर देखते हैं, हाइब्रिड, ये सभी आपके हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण है। तो ये आपका कंप्यूटर 9 पार्ट का वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। आप किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है या आपको कहीं समझ में नहीं आया हो या PDF लेना चाहते हैं, तो कमेंट अवश्य करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए अपना परिवार कंप्यूटर टेक संजय। एवं PDF लेने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे कंप्यूटर टेक संजय आप सर्च कर सकते हैं, या उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जहाँ पे क्लिक करके आप PDF नोट्स पा सकते हैं। आप विजिट करिए कंप्यूटर टेक संजय चैनल पे और उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ऐसे वीडियो देखने के लिए, ताकि आपको ऐसे वीडियो देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।